तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। तो हमारी दीदी जो है प्याली प्याली दीदी, वो फिर से विश्वासी और यीशु मसीह पे कुछ ना कुछ अंड संड उल्टा फुल्टा टिप्पणियां करने लगी है। चलिए देखते हैं उनकी वीडियो और जवाब देते हैं दीदी को। अगर मुझसे कोई सवाल करेंगे कि जिहादी हमारे लिए और देश के लिए ज्यादा खतरनाक है या ईसाई मिशनरियां, मैं तो कहूंगी ईसाई मिशनरियां। अरे ये क्या दीदी, आपने शादी कर ली और हमको बुलाया भी नहीं? यार दिस इज नॉट गुड दीदी, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, मेरी रोस्टिंग का इतना प्रभाव आपको पड़ गया कि आप शादी कर बैठी? अरे यार वाह वाह वाह। हालांकि दोनों ही काफी खतरनाक है, पर जो ईसाई मिशनरियां कर रही है उसका नतीजा कम से कम हमारे आने वाले 10 पीढ़ियों तक रहेगा ही। ऐसे में क्या कर रहे हैं वे? इनकल्चरेशन कर रहे हैं, या दूसरे शब्दों में हमारा धर्म आईपी को चुरा कर अपना कह रहे हैं। अब इससे बड़ा खतरनाक चीज और क्या हो सकता है? ये देख लो, अब इनको ना कोई अगर ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के घूम रहा है उससे भी इनको परेशानी है। खास तौर पे विश्वासी, अगर कोई प्रभु यीशु में विश्वास करने वाला अगर ऑरेंज कलर का कपड़ा पहन के घूम रहा है तो इनको उससे भी आपत्ति है। आप पहले एक वीडियो को देख लीजिए। जय प्रेम से बोलिए परम पिता परमेश्वर की जय। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना अध्याय 8 उसके 32वें श्लोक में लिखा है, सत्यस्य ज्ञास्यत सत्येन स्वाधीने कारिष्यत्वे च। ये बंदा है एक इवेंजेलिस्ट, पादरी या पास्टर, पर इसने अपने नाम में साधु नित्यानंद रखा। क्यों? गांव में मासूम हिंदुओं को भ्रमित करने के लिए। दीदी आपने भी तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए अपना नाम चंद्रशेखर रखा है, वरना आपका नाम होता हाफ लेडीज। ये भगवा पहनकर नाम के आगे साधु रखकर आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? दीदी जी भगवा कलर तो आपने भी लगाया है, आप ऐसे आएंगे और यूट्यूब में बकवास करेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि एक नई राधे माँ पैदा हो गई है। मैं सच कह रहा हूँ, ये स्त्री राधे माँ के पथ चिन्हों में चल रही है और बहुत ही जल्द इसका भी धूम धूम लका लका धूम धूम लका लका धूम धूम लका लका होने वाला है। पर ये आकर बात करेगा यीशु के बारे में, वो भी ये नमूना संस्कृत श्लोकों का वक्रीकरण करके धर्म परिवर्तन कर रहा है। हालेलुया। आपको पता है यीशु जी के शरीर में 5 घाव लगे। हमारे यहाँ जब हम लोग हवन करते हैं तो हवन के समय 5 श्लोक बोलते हैं। पहला श्लोक बोलते हैं, ओम ब्रह्मपुत्राय नमः स्वाहा, जो बाइबल में लिखा है ईश्वर के पुत्र के नाम का स्वाहा। दूसरा श्लोक कहते हैं, ओम कन्नी सुताय नमः स्वाहा, जो कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ उसके नाम का स्वाहा। ओम वृक्षासूलारुंधाय नमः स्वाहा, जो लकड़ी पे टांग दिया गया उसके नाम का स्वाहा। ओम पंचाकाय नमः स्वाहा, जो 5 घाव अपने ऊपर ले लिए उनके नाम का स्वाहा। और आखिरी श्लोक कहता है हमारे यहाँ पर वैदिक मंत्रों में, ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा, ओम मृत्युंजय, मर की जो जी उठा उसके नाम। ये किसके लिए? दीदी जी जो ये भाई साहब कह रहे हैं ना कि जो ये श्लोक बोलते हैं हम जब मंत्र पढ़ते हैं ना, तो ये 100% सही है। सदियों से हिंदू धर्म की अगर आप पुस्तकें कभी पलट लिया करो रे दीदी जी, कभी पलट लिया करो, खाली इसने वो बोला ये सब बोला, इसने ऐसा किया, वो सब छोड़ दो, इसने जो भी किया क्या नहीं किया, आप अपना धर्म का पुस्तक अगर खुद पढ़ोगे ना, तो सदियों से हिंदू धर्म के बड़े बड़े पंडित लोग अनजाने में ही यीशु मसीह को महिमा चढ़ा रहे हैं। आप लोगों को मालूम नहीं है ये सारी चीज़ें, आप लोग खुद पढ़िए तब आपको पता चलेगा। है इसने ये बोला इसने ये किया, ये सब छोड़ दो, पढ़िए खुद ब खुद अपना किताब पढ़िए तब आपको पता चलेगा। आप हिंदू धर्म बाइबल छोड़ो, बाइबल बाद में पढ़ना, पहला अपना धर्म का पुस्तक पढ़ो, आपको वहीं यीशु मिलेगा। आप कुरान चेक करो, आप हिंदू धर्म चेक करो, वहाँ आपको यीशु मिलेगा। आप कुरान चेक करो, आपको वहाँ यीशु मिलेगा। आप यहूदियों का पुराना नियम चेक करो, वहाँ आपको यीशु मिलेगा। और कितने सारे धर्म हैं आप चेक करो, आपको वहाँ यीशु मिलेगा कि यीशु ही उद्धार करता है। जो कुंवारी के गर्भ से पैदा हुआ वो ही उद्धार करता है।
आपको पता चलेगा ऐसे ही मैं प्रभु में नहीं आया। ये रहस्य, ये सारी बातें प्रकट की गई है। प्रभु ने कहा तुम्हारे ग्रंथ ही मेरी साक्षी करते हैं, लेकिन तुम विश्वास नहीं करते, मेरी प्रतीति नहीं करते। आज से 2000 साल पहले उसका शरीर टूटा, और जब जब ये नारियल टूटता है, जाने अनजाने में ये वही गाथा मंदिर में प्रकट की जाती है, बताई जाती है कि बलिदान हो चुका है तुम्हारे लिए। इसलिए हम आज इस बात की घोषणा करते हैं कि जैसे नारियल टूटता है, नारियल ऊपर से कठोर है, अंदर से मुलायम है, ईश्वर का प्यार ऐसे प्रकट हुआ उस तक कोई नहीं पहुंच सकता। बड़ा कठोर है, लेकिन उसने अपनी कठोरता तोड़ दी। और यीशु मसीह का जब शरीर टूटा तो मंदिर का पर्दा फट गया बीच से, और दरवाजा खुल गया हम सब के लिए। आज से 2000 साल पहले उनके शरीर में कीले लगी, और जैसे ये जल ऐसे रक्त बह निकला, और हमारे पाप अर्गवानी रंग के ही क्यों ना हो, हिम के नाई श्वेत हो जाएंगे। नारियल जैसा श्वेत है ऐसा, और ये खाली है, वो जी उठा, उसकी कब्र आज भी खाली है। और ये नारियल का टूटना जिसको मंदिर में आप देखते हैं, ये कुछ और नहीं, ये हमारे गुरु के क्रूस के बलिदान, उसके गाड़े जाने और पुनरुत्थान की महान गाथा है, जो सारी मानव जाति के लिए प्रकट हुई। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, ओ परिश्रांता पराक्रांतस्य सर्वे मम समीप मायात तेना हम युष्मान विश्रामि श्यामि। हे सब थके ओ सिदवे पापी, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी आत्मा को विश्राम दूंगा, मुक्ति का। हालेलुया। इसलिए यीशु ने कहा पूर्ण हुआ, मुक्ति और उद्धार का कार्य सिंबॉलिकली नारियल प्रकट करता है, लेकिन आज से 2000 साल पहले यरूशलम में पूर्ण हुआ है। बोले प्रभु यीशु महाराज के। देखिए, इसने महामृत्युंजय मंत्र के कुछ शब्दों को लेकर यीशु के पीछे लगा दिया। इन बहन जी का कुछ नहीं हो सकता, इनका कुछ नहीं हो सकता। अरे बहन जी, जो महामृत्युंजय मंत्र है ना, उसमें जो जो चीज़ें बोली जाती हैं, जिनका उच्चारण किया जाता है, जिन शब्दों का, कि कुंवारी के गर्भ से जन्म हुआ, फिर जो लकड़ी में टांगा गया, ये जो मंत्र है ना, ये केवल यीशु में फिट बैठता है। आप अपना भगवान कितना ब्रह्मा फ्रह्मा ये वो माखन चोर ये चोर लड़कीबाज ये वो कितना भगवान है आपका, ये सारा जितना भी भगवान है ना आपका 33 करोड़, ये सारा देवी देवता को ऐसा लाइन में खड़ा करो एकदम, हाँ, और लाइन में खड़ा करके ये जो डिस्क्रिप्शन, ये जो मंत्र है ना, ये मंत्र में जो जो चीज़ें बोली जा रही हैं, और सारे भगवान पे ट्राई करो किन पे फिट बैठता है, किसी पे फिट नहीं बैठेगा। जो कुंवारी के गर्भ से जन्म हुआ, उसके बाद में जो लकड़ी में टांगा गया, जो पापों के लिए मरा, जो मर के भी जिंदा हुआ, ये केवल यीशु मसीह पे फिट बैठता है ये मंत्र, चेक करो। इसने जो किया, इसने ये मंत्र को इसने एक दो शब्द इस्तेमाल किया। अरे रे, ऐसे में इसको नहीं बोलता। और ये कह रहा था कि मंदिर में नारियल तोड़ना और यीशु का वहाँ पर क्रूस चढ़ाना दोनों एक ही है। क्रूस चढ़ाना दोनों एक ही है। वाह रे मेरी कंफू पांडा, सेम टू सेम कंफू पांडा। मतलब कुछ भी ठीक है, उस बात को हम छोड़ेंगे। तो मृत्युंजय उनको कहते हैं जिसने मृत्यु को हराया, हमारे महादेव को कहते हैं जिन्होंने दुनिया को बचाने के लिए जहर पीकर भी जिंदा रहे। अगर महादेव अभी भी जिंदा है, मृत्यु को जय पाया है, कहाँ है महादेव? महादेव, ए बेटा कहाँ गया तू? ए इधर आजा, वो 10 रुपए का बीड़ी लेके आजा। वहीं दूसरी ओर अगर हम यीशु मसीह को देखें, तो वो मरने के 3 दिन बाद में फिर से जी उठे, और सत शरीर विथ बॉडी ही इज इन हेवन, वो अभी स्वर्ग में है और एक दिन फिर आएंगे, और उन्होंने असलियत में मृत्यु पर जय पाया है, और जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो भी
मृत्यु पर जय पाएगा, वो बीड़ी लेके आने वाले जैसा नहीं। उसको नहीं जो 3 किलो में मर गया था, बाद में उठा, ये सब तुम्हारी कहानी है, बाइबल का नहीं। एक और पादरी ने तो ओम शब्द को लेकर यीशु के आगे लगा दिया। एक नहीं सनातन धर्म के कई सारे ग्रंथों का वक्रीकरण करके वेदों में यीशु, भगवत गीता के श्लोकों को चुरा कर उसमें यीशु, महामृत्युंजय मंत्र को यीशु का कह रहे हैं। ऐसा एक क्या कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत में यीशु को घुसा दिए, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, भारत के हर एक नृत्य और गीत जो भगवान श्री कृष्ण और महादेव के लिए अर्पित है, उन सारे चीजों को चुरा कर उसमें यीशु को घुसा दिए। फिर से बोलना पड़ेगा, अरे ओ स्त्री कहाँ घूम रही है, इधर आ बर्तन माजनी। अबे वो जो भी हिंदू धर्म में लिखा गया है वो हमने नहीं लिखा, हमने नहीं यीशु को घुसाया अंदर, ठीक है। तुम्हारे जो पंडित वगैरह थे वो पंडित वगैरह ढूंढ रहे थे सत्य को, और उन्हें सत्य मिला। सत्य कौन? केवल यीशु। कुछ दिन पहले विदेशी फूड ब्लॉगर समोसा को मिमोसा क्या कह दिए, तो सारे भारतवासियों को गुस्सा आ गया। अरे दीदी को वीडियो बनाते बनाते भूख लग गया, समोसा का याद आ रहा है। अरे दीदी थोड़ा कम समोसा खाया करो यार, ज्यादा समोसा खा के समोसा हो गई हो। कैसे कैसे कर सकते हो, वही यहाँ ईसाई मिशनरिया आप लोगों का संपत्ति लूट रहे हैं, अपने भगवत गीता को लूट रहे हैं, तो क्यों उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हो रही है? अगर हम इस इनकल्चरेशन को आज नहीं रोकेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को ये मिशनरिया पोल्यूट करके रखेंगे। जहाँ जहाँ आपको ऐसे डोंगी नित्यानंद साधु मिलेंगे उसको पकड़ के वही सबक सिखा लीजिए। अरे दूध ना देने वाली भैंस, तू क्या सबक सिखाएगी हमें? चल निकल, चल चल पहली फुर्सत में निकल, वरना पड़ेगा एक। इतना बड़ा मुक्का देखा है कभी? इतना बड़ा मुक्का देखा है? वरना पड़ेगा सीधा कंफू हसल की तरह मुंह में, और पीछे से आवाज आएगा ओम तक। मैं इनकल्चरेशन के ऊपर एक और सीरीज के साथ फिर मिलूंगी। जय श्री राम। कभी बोलती है हरे कृष्ण और कभी बोलती है जय श्री राम। पहले ये फैसला कर ले इन दोनों में से कौन है तेरा परमेश्वर। देख तेरे को एक उदाहरण देता हूँ, तेरा एक पति है, शादी कर लिया तो एक पति होगा ना, तेरा एक पति है, 10 पति तो नहीं है ना। तो वैसे ही फैसला कर ले, राम चाहिए कि कृष्णा चाहिए। दूसरी बात, तेरा बाप एक है ना, एक ही बाप होगा, अब पता नहीं एक बाप होंगे, बायोलॉजिकल फादर तो एक ही होता है, तो एक ही पिता होता है जिसने सारा सृष्टि बनाया है वैसे ही, और एक ही पिता है तेरा जिसने तुझे बनाया है, पता नहीं क्यों बनाया है वो अलग बात है, लेकिन बनाया है, मतलब समझ जा बात को। तो ऐसे ही 2-3 पिता परमेश्वर, तुम्हारा तो 33 कोटी तुम्हारे सपने भगवान ने ये बनाया संसार, ये कहाँ का नियम है भाई, ये कैसे हो सकता है, हाउ इट्स पॉसिबल। और इनमें से सबसे बड़ा कौन है? वैसे ही ये बता कि तुम्हारे जो भगवान है उनमें से कौन बड़ा कौन छोटा, पहले वो डिसाइड करो तुम लोग, ठीक है। ज़्यादा डायलॉग बाजी मत कर, जाके घास कर जा। खैर तो आज की वीडियो केवल एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, कृपया करके इसको दिल में ना ले, केवल मजाक ही है और कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मजाक कर रहे हैं हम। मजाक मजाक में बहुत सारी बातें हम सीखते भी हैं ना, ऐसा कोई माइंड मत करना यार, कुछ लोग काफ़ी सीरियस हो जाते हैं। आ जाओ पपीता खाने, आ जाओ पपीता खाओ, सागर बढ़ाओ, मिलते अगली वीडियो में। प्रवेश में सबका सीधे, तब तक के लिए जय मसीह की।